नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, या ये कहें कि ऐसी जानकारी का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल इंडिया के तहत एक स्वदेश स्कीम निकाली है। ये उन सभी भारतीय सिटीजन्स के लिए है जो कोरोना काल में अपने देश वापस आ गए हैं और फिलहाल अभी उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। तो उन सभी सिटीजन्स के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है। इस स्कीम की जो समस्त जानकारी है वो nsdcindia.org वेबसाइट पर मिलेगी आप सभी को। फिर भी इसकी जो मुख्य जानकारी है मैं वो आप सबों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ कंडक्टिंग स्किल मैपिंग ऑफ ओवरसीज रिटर्निंग सिटीजन्स थ्रू वंदे भारत मिशन। कलेक्टेड इंफॉर्मेशंस विल बी शेयर्ड विद इंडियन और फॉरेन कंट्रीज सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट यू डायरेक्टली इफ दे नीड समवन विथ योर स्किल्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड fill your Swadesh skill card below. Please abide by the quarantine rules and stay safe. Welcome back to India. देखिए दोस्तों, ये जो स्कीम है ये उन सभी के लिए है जो वंदे भारत मिशन के तहत अपने देश भारत वापस लौट कर आए हैं और उनके पास अभी कोई इसके जॉब नहीं है। तो इसमें आपको अपना एक रजिस्टर करना है अपने आप को। इसके नीचे एक स्किल कार्ड दिया गया है, उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स उसमें डालनी है। फिर ये जो भी आपकी स्किल्स हैं उनकी मैपिंग करेगा और सारी जो इंडियन और फॉरेन कंपनीज है उसमें भेजेगा। और यदि उनको आपकी जो स्किल्स है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच खाती है, या वो आपकी स्किल्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही पाते हैं, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। चाहे वो डायरेक्टली करें या आपको कॉल करते हैं या आपको ईमेल करते हैं। तो ये जो है वो आपकी स्किल्स की मैपिंग करता है और फिर आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली उन कंपनीज को भेजता है। और अगर उनको आपकी स्किल्स आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही लगती है तो वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर इससे जुड़ी दोस्तों तो आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इससे जुड़ी हुई और भी जानकारियाँ अगर आप चाहते हैं कि मैं आप तक लेकर आऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इससे रिलेटेड और क्या क्या जानकारी चाहते हैं। तो इसके लिए फिर मैं अपना एक अगला वीडियो भी बनाऊँगी। तो थैंक यू दोस्तों, आपको उम्मीद है, करती हूँ कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा।